वेलकम टू द चैनल अरबी फंडा सेवन वीडियो से में हम बात करने वाले हैं ओलम्पिक बास्केटबॉल का जो क्वार्टर फाइनल का मैच होने वाला है चाइना वुमेन वर्सेज सेरेवे वुमेन्स के बीच में दोनों टीम में अगर कंपैरिजन करें तो चाइना उमेन्स अभी फिलहाल यहाँ पर तीन में से तीन मैच यहाँ पर विन विनओ करा रही है और सेरविया वुमेन जो है अपने लास्ट के तीन में से दो मैच यहाँ पर विन विनओ करा रही है ये जो मैच है तो चाइना वुमेन के होम मैच है होम कंडीशन में यहाँ पर ये मैच खेला जाने वाला है तो चाइना उमेंस के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज है लेकिन इसका ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे नहीं बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में अगर दोनों लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना एट सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बाकी बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर सबसे पहले सेरेबिया वुमेन जो सेरेबिया वुमेन की तरफ से आप वैजेक आपको एज ए स्टार्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर डॉपी के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्रैगोडिक का लास्ट मैच यहाँ पर बेस्ट का है ब्रूक्स इनके यहाँ पर स्टार प्लेयर है बेस्ट प्लेयर है लास्ट मैच इनके यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज का गया तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है यहाँ पर हुआ है उसी के साथ साथ क्राइजिंग इनको यहाँ पर जीएल में ट्राई कर सकते हो इतने कुछ बेटर प्लेयर ने क्रेडिट के हिसाब से बाकी यहाँ पर ब्रुक्स इंपॉर्टेंट पी के रिबाउंड प्लस पॉइंट सभी सेक्शन से आपको यहाँ पर पॉइंट देने की इनमें यहाँ पर कैपेबिलिटी है उसी क्रेवे, के साथ साथ यहाँ पर कैवी का क्या अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है लास्ट मैच आप पर बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर देकर आ रही है शावि रिसेंटली दोनों मैचेस इनके लिए यहाँ पर फ्लॉप गए तो यहाँ पर इनको यहाँ से आप अवॉइड कर सकते हो और वैसे भी इनके यहाँ पर क्रेडिट भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा हुआ है बाकी यहाँ पर शावेजी का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस रिबाउंड से अच्छा खासा कर गए थे लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंट है शूटिंग से यहाँ पर टोटली फ्लॉप रहे थे टू पॉइंट टेन रिबाउंड और फोर असिस्ट इनकी तरफ से आए थे बाकी ब्रूक्स का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस ये भी शूटिंग से फ्लॉप रही थी टोटली एलेवन पॉइंट थ्री रिबाउंड और एक असिस्ट फिर भी उन्होंने दिए थे इनकी स्ट्रेंथ है रिबाउंड प्लस यहाँ पर असिस्ट जो आपको हर मैचेस में यहाँ पर देती हुई दिखेंगी जो सेकंड मैच रहा था तो ब्रूक्स का देख सकते बेस्ट गया था सिक्सटीन पॉइंट फोर रिबाउंड और एक स्टिल इन्होंने यहाँ पर सेकंड मैचेस में दिए थे तो बेटर पिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे के क्राजेंसिक जो कि यहाँ पर सेंटर की प्लेयर है क्रेडिट के हिसाब से परफॉर्मेंस इनके तरफ से आ नहीं रहा है तो जी के लिए बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे फोर्टीन पॉइंट और सिक्स रिबाउंड इनके तरफ से यहाँ पर आए थे उसी के साथ साथ यहाँ पर एकरवड़ी की अगर बात करूँ तो लास्ट मैच इनके लिए बेस्ट गया है और कोई भी नहीं चाहेंगे आज का मैच इनको यहाँ से इग्नोर करने के लिए बाकी यहाँ पर लास्ट मैच में थ्री स्टील देकर आए चार असिस्ट उसी के साथ साथ यहाँ पर सेवन रिबाउंड और फिफ्टीन पॉइंट इनके तरफ से आए थे बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे जिनका टेन पॉइंट फाइव में कोई भी से इजीली भी आ, पिक कर लेगा जिस प्रकार से इनका लास्ट मैच यहाँ पर परफॉर्मेंस आए बाकी यहाँ पर डोबिक लास्ट मैच में यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर एवरेज रहे थे जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर भी आ, एक एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पर डोबिक की तरफ से आया था बाकी यहाँ पर रिबाउंड प्लस पॉइंट प्लस, प्लस आसिस से सभी सेक्शन से इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आता है तो इनको यहाँ पर आप प्रीफर कर सकते हो बाकी यहाँ पर ये सीरबिया वोमेंस के वो यहाँ पर जो स्टार्टर है उनकी तरफ से बाकी यहाँ पर इनकी तरफ से सबसे बेस्ट मैन प्लेयर है जॉन एंडरसन सबसे इनके यहाँ पर बेस्ट बैंक प्लेयर है और सबसे ज़्यादा टाइम इनको ही मिलेगा लास्ट मैच में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फिफ्टीन पॉइंट एटीन फोर और सिक्सटी इनकी तरफ से आए थे और ऑफेंस में इनकी तरफ से यहाँ पर फील्ड गोल से 15 शॉट यहाँ पर किए गए थे जिसमें से यहाँ पर सेवन इनके कनेक्ट हो गए थे तो बेस्ट पीपी चॉइस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे यौन एंडरसन जिस प्रकार का इनके तरफ से लास्ट मैच में परफॉर्मेंस आ रहा है और ये मैच यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और जल्दी से आपको यहाँ पर योन एंडरसन बैन से खेलेंगी लेकिन जल्दी आपको दो तीन मिनट में ऑन द कोर्ट यहाँ पर दिखाई देंगी बाकी यहाँ पर जो भी इनको भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो इलेवन रेडिट के प्लेयर है बैन से इनको भी ठीक ठाक टाइम मिलता है लास्ट मैच यहाँ पर फो फिफ्टीन मिनट खेल कर फोर पॉइंट टू रिबाउंड एक असिस्ट जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर फिफ्टीन मिनट खेल कर फाइव रिबाउंड सिक्स आ जाते एक असिस्ट और दो स्टील इनकी तरफ से आए थे तो डिफेंस वाले अच्छा खासा वर्क कर जाती है जेल के लिए बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगी बाकी स्मॉल लीग में रिकमेंडेड नहीं करूँगा एक तो याद ए बैंक प्लेयर खेलती है और रिसेंटली मैचेस में परफॉर्मेंस इनका डिफेंस से आया और यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आया नहीं बाकी यहाँ पर स्टॉनविक जो कि आपको एज अ बेस्ट के लिए स्कोर मिल जाएंगे सेंटर से इनसे बेटर पिक आपको कोई मिलेगा नहीं जो कि खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर लास्ट मैच इनकी तरफ से परफॉर्मेंस बेस्ट आए सेवेंटीन मिनट खेल कर एट पॉइंट सिक्स तो थ्री बाउंड टू असिस्ट वन ब्लॉक वन स्टील इनकी तरफ से आए थे जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी थर्टीन मिनट खेलकर सिक्स पॉइंट टू तो थ्री टू असिस्ट वन ब्लॉक और वन स्टील तो दोनों मैचेस में एक एक स्टील यहाँ पर देकर आ रहे हैं और सेवन क्रेडिट में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आपको यहाँ से मिल जाएंगे बाकी बघ्यागर यहाँ से बात करूँगा यहाँ पर चाइना वुमेंस तो यहाँ चाइना वुमेन्स की तरफ से आपको योलिन यहाँ पर एज ए स्टार्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगी मुंगलिन यहाँ पर स्टार्ट करेंगी ट्यूशाओ यहाँ पर स्टार्ट करेंगी यून लियाई यहाँ पर स्टार्ट करेंगी और सेंटर से इनकी तरफ से यहाँ पर एज ए स्टार्टर करेंगे पेन ये रहे इस टीम के यहाँ पर प्रॉबेबल स्टार्टर पेन को सेकेंड मैच में टाइम बहुत कम मिला था इनकी तरफ से कोई रिबाउंड नहीं थे कोई आसिस नहीं था और उसी के साथ साथ ये यहाँ पर इनके तरफ से कोई फॉल भी नहीं था फिर भी इनको टाइम क्यों कम मिला था इसके बारे में अभी तक यहाँ पर मैं क्लियर नहीं हूँ मैं भी यहाँ पर इंजरी हो गई होंगी तीन ही मिनट खेली थी उसके चलते यहाँ पर यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं बाकी लास्ट मैच देख सकते हैं इनकी तरफ से परफॉर्मेंस ट्वेंटी एट मिनट खेलकर कर टेन पॉइंट थ्री ट्री पाउंड टू स्टील बेस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हैं और जो फर्स्ट मैच रहा था तो यहाँ पर भी इनके तरफ से फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस आया था एलेवन पॉइंट सेवन रिपोर्ट टू असिस्ट वन वॉक और टू स्टिल इनके तरफ से आए थे बाकी यहाँ पर यूरिन ली इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं सबके यहाँ पर यूनिवर्सल एस पी आज के मैच में यहाँ पर होने वाली बाकी यहाँ पर टिशाओ शाउ यम लिया और यूरिन यू लिया आई यहाँ पर ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्ले के बाकी यहाँ पर यू ली आई को थोड़ा सा आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो यू लिया से भी यहाँ पर बेटर पिक आपको यहाँ पर लिविन योंग यहाँ पर मिल जाएंगे दोनों को रिसेंटली मैचेस में दोनों मैचेस में टाइम इक्वली यहाँ पर मिला है लेकिन यंग ने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है योन के कंपेरिजन में लास्ट मैच यहाँ पर योंग स्टार्ट करते हुए ट्वेंटी ट्वें वन ट्वें मिनट कहकर सेवन पॉइंट थ्री रिवाउ थ्री असिस्ट बाकी यहाँ पर लियो योंग की तरफ से टेन पॉइंट वन ट्री फोर असिस्ट तो यहाँ पर योंग का परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा बेटर था जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर भी देख सकते हैं योंग को सबसे ज़्यादा बैन से बेस्ट टाइम मिलता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर यू लियाई का परफॉर्मेंस फोर्टीन मिनट के ललकर थ्री पॉइंट और एक रे तो कुछ खास यहाँ पर भी नहीं कर पाए थे तो बाकी अगर यहाँ से पॉइंट गार्ड सेक्शन में आपको चॉइस ही करना है तो यहाँ पर यू ल्यू यांग आपके पास यहाँ आप पर एक बेटर पिक यहाँ से मिल जाएंगे बाकी यमल्यून एक पिक यहाँ पर इस टीम की तरफ से यहाँ पर मिल जाएंगे लास्ट मैच का परफॉर्मेंस डिफेंसिवली प्लस यहाँ पर ऑफेंसिवली दोनों से पॉइंट देंगे एलेवन पॉइंट सेवन रिबाउंड एक असिस्ट आ, प्लस आप यहाँ पर इनको जेल में एज ए एस पी 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 भी ट्राई कर सकते हो जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी डिफेंसिवली सेवन असिस्ट टू रिबाउंड और एलेवन पॉइंट इनकी तरफ से आए थे बॉल हैंडलिंग बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर करती है और असिस्ट प्लस रिबाउंड से आपको दोनों सेक्सेंसिव से परफॉर्मेंस यहाँ पर देंगी बाकी टू शाहू मुझे लगता है एक बेटर पिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी लास्ट मैच सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर खेल कर आ रही नाइन पॉइंट थ्री री फोर असिस्ट और एक स्टिल लास्ट मैच में जो सेकंड मैच रहा था तो सेकंड मैच में भी यहाँ पर ट्वेंटी टू मिनट खेलकर कर एट पॉइंट एट री टू असिस्ट और टू स्टिल इनके तरफ से आए थे तो भी दोनों मैचेस में इनके तरफ से परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस्ट आया तो बेटर पिक आपको यहाँ से मिल जाएंगी बाकी इस टीम की तरफ से बेंच प्लेयर की अगर बात करूँ तो शव एंग एक बेस्ट बेंच प्लेयर इस टीम की तरफ से उसी के साथ साथ एक सैन जो कि यहाँ पर सेंटर से खेलते हैं तो यहाँ पर ये बेटर पे बेंच पिक आपको मिल जाएंगे अदर यहाँ पर बेंच प्लेयर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो यंग यहाँ को यहाँ पर बेस्ट मैन प्लेयर यहाँ से मिल जाएंगी बाकी यहाँ पर लास्ट मैच का परफॉर्मेंस युग को टाइम बेस्ट मिला था परफॉर्मेंस बेस्ट आया था शाहजु वैंग रिसेंटली हर मैचेस में यहाँ पर ये परफॉर्मेंस दे, दे रही है और जूहैन को लास्ट मैच में थोड़ा सा कम टाइम मिला था लेकिन इस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ दिखाएंगा उसका रीज़न भी क्या पर सेंटर से इतने ज़्यादा बेटर प्लेयर ने जो सेकेंड मैच रहा था तो सेकेंड मैच में यहाँ पर जूहैंग की तरफ से परफॉर्मेंस है यहाँ पर देख सकते हैं एलेवन मिनट खेलकर कर सिक्स पाउंड फोर री और थ्री ब्लॉक इनकी तरफ से आए थे तो यहाँ पर कम टाइम में अच्छे खासे पॉइंट दे देती है लेकिन यहाँ पर इनको टाइम बहुत कम मिलता है जो फर्स्ट मैच रहा था तो फर्स्ट मैच में फर्स्ट क्लास यहाँ पर टाइम मिला था परफॉर्मेंस भी यहाँ पर फर्स्ट क्लास आया था बाकी रिसेंटली दोनों मैचेस में इनको टाइम बहुत कम मिल रहा है तो यहाँ पर यही रीज़न है कि यहाँ पर इन पर थोड़ा सा आप यहाँ पर रिस्क लेके आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो बाकी फर्स्ट मैच जो था तो यहाँ पर वन साइडली भी था इसके चलते भी इनको यहाँ से टाइम मिला होगा बाकी जो सभी मैचेस थे दोनों मैचेस तो क्लोज मार्जिन वाले मैचेस यहाँ पर थे तो हो सकता है यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर इनको टाइम नहीं मिला बाकी सेलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा क्रेडिट थोड़ा सा इनका है अगर यहाँ से बात करूँगा यहाँ पर ड्रीम इलेवन टीम तो ड्रीम इलेवन टीम के लिए आपके हिसाब पास सबसे पहले यहाँ पर गार्ड का सेक्शन है गार्ड के सेक्शन के लिए मुझे लगता है एंडरसन बेस्ट पिक आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर यहाँ से किसी को पिक करना है तो लिया को पिक कर सकते हो जो कि एज ए बैन प्लेयर खेलते हैं और वो है ली इनको भी पिक कर सकते हो लेकिन यहाँ पर एज ए स्टार्टर खेलकर परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं वेजुक को ट्राई करना है जीएल के लिए बाकी स्मॉल लीग में ज्यादा रिकमेंडेड नहीं करूंगा शॉमिंग का परफॉर्मेंस रिसेंटली दोनों मैचेस में यहाँ पर बेस्ट आ रहा है उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके पास यहाँ पर डोबिका का अवेलेबल है जो कि यहाँ पर शूटिंग सेक्शन से एज ए स्टार्टर करेंगे और आपको यहाँ पर असिस्ट से अच्छा खास पॉइंट दे सकते हैं पोटेंशियल है शॉ मुझे लगता है एक बेटर पिक आपको यहाँ से मिल जाएंगे क्रैकेट लास्ट मैच में इनकी तरफ से परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस्ट आया है यूनिवर्सल एस पी इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं ब्रुक्स को बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर कर रहे हैं लेकिन ये प्लेयर यहाँ से बेस्ट है बाइक अबॉर्स्टॉनविक रिसेंटली हर मैचेस में इन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है तो ये मेरी ड्रीम टीम है थोड़े से अगर आप यहाँ पर चेंजेस करना ही चाहते हो तो चेंजेस कर सकते हो ये एक सेकंड चेंजेस है इसके साथ यहाँ पर जा सकते हो अगर आपको यहाँ परम ल्यू के साथ जाना है अगर आपको यहाँ पर ट्यूशाओ के साथ जाना है तो आप यहाँ पर इनके साथ भी जा सकते हो अगर ऐसे ट्यूशाओ पिक करते हो तो डोबोई आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी इनका भी परफॉर्मेंस बेस्ट है और उसके साथ साथ लियोन का भी परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस्ट है तो दोनों में से किसी एक को ऐसे पिक कर सकते हो ट्यूशाओ या फिर यम लियाओ दोनों में से किसी एक को पिक करना है तो दोनों में से दोनों बेटर पिक है बाकी लास्ट मैच में अगर देखेंगे तो यहाँ पर लियोन का परफॉर्मेंस और ट्यूशाओ का परफॉर्मेंस कम्पेरिटिवली यहाँ पर टू को थोड़ा सा बेटर टाइम मिला था एज कम्पेयर टू यहाँ पर मैंगल्यून जो सेकंड मैच रहा था तो सेकंड मैच में भी आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं मैंगल्यून को टाइम बेस्ट मिला था और ट्यू शाहू को भी टाइम यहाँ पर ठीक ठाक ही मिला था और दोनों का परफॉर्मेंस टी शाह ने यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस दिया था बाकी यहाँ पर मैंगल जो है यहाँ पर थ्री पॉइंट शूटर है लास्ट मैच में भी यहाँ पर मैंगल ने यहाँ पर एक भी एक तीन थ्री पॉइंट शूट किए थे जिसमें से यहाँ पर इनका एक कनेक्ट हुआ था जो सेकंड मैच रहा था उसमें यहाँ पर फाइव यहाँ पर थ्री पॉइंट शूट किए थे जिसमें से यहाँ पर दो कनेक्ट यहाँ पर हुए थे तो सारा मैच यहाँ पर टोटली डिपेंडेंट रहेगा थ्री पॉइंट शूट पर अगर यहाँ पर इनके कनेक्ट हो जाते तो अच्छे खासे पॉइंट देंगे अदरवाइज यहाँ पर आपको ही पॉइंट दे देंगे बाकी ये जो थे मेरे यहाँ पर डेमो ट्रिमोलोटी में बाकी दो चेंजेस जो मैंने बताए टी को अगर यहाँ पर आप अवॉइड करना चाहते हो टी शाओ को अवॉइड कर दीजिए यम लियोन यहाँ पर पिक कर लीजिए और सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ल्योग यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे या फिर योनलिन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे लेकिन लियग यांग ने रिसेंटली दोनों मैचेस में ज़्यादा रिमिल पॉइंट दिया एज कम्पेयर टू तो वाइली सिवाय यहाँ पर वाइली एज ए स्टार्टर खेलती है बाकी अगर यहाँ पर बात करूँगा बेस्ट एस पी पी चॉइस तो मुझे लगता है बेस्ट एस पी चॉइस आपको इनसे बेटर पिक आपको कोई मिलेगा नहीं जो कि यहाँ पर रिबाउंड प्लस पॉइंट से दोनों से आपको परफॉर्मेंस दे कर देंगी बाकी यहाँ पर यून एंडरसन एज ए बैंक प्लेयर खेलती है लेकिन आप अगर दो तीन मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पर ऑन कोर्ट आपको दिखाई देंगी और प्लस यहाँ पर ये प्लेयर मुझे लगता है यहाँ पर सेरबे वोमेंस की टीम में से सबसे बेटर पिक आपको यहाँ से मिल जाएंगी बाकी स्टार प्लेयर है बेस्ट पीपी चॉइस यही आपको मिल जाएंगी जेल में ट्राई करो तो ब्रुक्स को यहाँ पर ट्राई करना एज ए पी पी सेलेक्शन परसेंटेज बहुत कम पोटेंशियल रिबाउंड असिस्ट प्लस यहाँ पर पॉइंट का तो सभी सेक्शन से परफॉर्मेंस देंगे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आता है तो इनको जेल में ट्राइव कर सकते हो बाकी यहाँ पर टेंगलिन शाव को भी यहाँ पर आप एज ए पी जेल में ट्राई कर सकते हो बाकी आई होप गाइज वीडियो पसंद आए होगा उसके साथ साथ अपने आप लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा तो मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल